नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इनके बारे में, जो कई लोग इसको जानते होंगे, जिनको आंख का कीड़ा भी लोग इनको कहते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, क्या इसके अंदर ऐसा होता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, कैसे इसका उपयोग करना है और क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो दोस्तों इसमें एक सारा मेंशन कर रखा होता है, ये आपको जायगोल के नाम से मिल जाता है मेडिकल्स में और 1 से 2 रुपए का ये आपको अवेलेबल हो जाता है। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है दोस्तों क्लोरामाफेनिकोल आइट ऑइंटमेंट 1% में ये होता है। क्लोरामाफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है जो काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये जीवाणुओं को रोकने में मदद करता है और उनको इन्फेक्शन को दूर करने में उपयोगी साबित होता है। ये एक बेस्ट एंटीबायोटिक है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उपयोगी में किया जाता है। क्लोरामाफेनिकोल दोस्तों एक जो ये है आपका एक ट्यूब में आपको 250 mg में ये क्लोरामाफेनिकोल देखने को मिल जाता है। इजी आपको मेडिकल स्टोर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है। गर्मी में दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है और आँखों के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कई बड़े बड़े इन्फेक्शन के लिए भी ये उपयोग में ला सकते हैं क्योंकि एक अच्छा एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में उपयोगी होता है। बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, यानी आँखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, जैसे कि आँख आना, आँखों में जलन होना, सूजन आ जाना, गर्मी से रेडनेस हो जाना, येलोनेस आ जाना, आई से एलर्जी हो जाना, धूप या मोबाइल की वजह से आपकी आँखों में धुंधलापन हो जाना या फिर जलन होना, आँखों में खुजली आ जाना, आँखों को साफ करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आँखों में कभी कभी ब्लड क्लॉट वगैरह भी जमा हो जाता है, उस केस में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पलकों की सूजन हो गया या फिर आँख का भारी जो लेयर होती है, जो नीचे की पलक होती है, उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, ब्लैकनेस आ रही है, सूजन आ रही है, आँखों में पस वगैरह जमना या फिर एक्ने वगैरह जो कहते हैं दाने दाने हो जाते हैं, उसमें भी आप इसका उपयोग में ला सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये आपको और मेडिकल्स में आसानी से उपलब्ध 1 या 2 रुपए का देखने को मिल जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को कुछ मिल सकते हैं, जैसे खुजली, इरिटेशन। अगर ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो इसको बंद करें और डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा। इसका उपयोग करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी आँखों को साफ करें। पहले मैं बता दूँ आपको, ये बड़े और बच्चे दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं। 1 साल या 2 साल के बच्चे कंटिन्यू इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका 2 टाइम इसको उपयोग करना होता है दोस्तों। उपयोग करने का तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले जो बड़े लोग हैं वो अपने आँखों को अच्छे से साफ़ करें पानी से, या फिर जो बच्चे होते हैं उनको कपड़े से ही साफ़ करके आप इसका यूज़ करवा सकते हैं। आँखों को साफ़ करने के बाद अच्छे से साफ़ करें और इसको जो यूज़ करना है आपने कैसे करना है, इसका जो अपर केस देख रहे होंगे आप, इसको यहाँ से कट करना है किसी साफ इंस्ट्रूमेंट से। तो ये क्रीम देखो अपने आप ही इसमें बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। और जैसे मान लीजिए आपका ये आईज है, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, तो आपने हाथ में इस तरीके से इसका उपयोग नहीं करना है, फिर आँखों में लगाना है, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने इसका डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ से इसको प्रेस करना है और इस तरीके से अपनी पलकों के नीचे लगाना है। जैसे हम काजल वगैरह अप्लाई करते हैं आप लोग, तो उसी तरीके से इसको उपयोग करना है। इससे होगा क्या, आपको डायरेक्ट इसका आँखों में लगेगा, आपके हाथों में नहीं लगेगा और आपके जो इन्फेक्शन हो गया हाथों में सपोज करके, तो उसमें ये फ़ायदा देगा और नुकसान भी आपको ज़्यादा नहीं होगा। बिना किसी नुकसान के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसको कैप्सूल को जैसे आपने छोड़ दिया, आप कल यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार में ही एक कैप्सूल का सेवन करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ओपन हो जाता है तो ख़राब हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही सेफ मेडिसिन है और काफ़ी अच्छे इसके उपयोग पाए जाते हैं दोस्तों। काफ़ी सस्ता भी है और सस्ते में आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है इसकी वजह से। ये बहुत ही पहले से उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर दोस्तों गाँव कस्बों में ही इसका उपयोग करवाया जाता है। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो दोस्तों, अगर आपके आईज़ में कोई इन्फेक्शन है या फिर कोई दवाई चलती है, तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श लीजिएगा। अगर इसको लगाने से आपको एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो इसको उपयोग में नहीं करना है। अगर आपकी आंखें बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो आपको विटामिन ए के कैप्सूल का उपयोग करना चाहिए, और जो जिससे आंखों की रोशनी बढ़े या फिर जिससे आंखें इम्प्रूवमेंट हो, वो फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए।
इससे होगा क्या, तो दोस्तों आपकी आंखें जो होंगी अंदर से मजबूत होगी, और साथ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसी परेशानी होती है जो मैंने वीडियो में बताया है। तो बस दोस्तों ये था कुछ क्लोरामफेनिकोल के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप पर्सनली क्वेश्चन करना चाहते हैं तो लिंक आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।